हाउ टू डाउनलोड प्लगइन्स एंड इंस्टॉल इट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लगइन्स हमें कौन कौन से चाहिए उसका हम लिस्ट निकालेंगे। तो हम प्यार से गूगल को पूछ लेते हैं टॉप यूजफुल प्लगइन्स। तो हमें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें से कुछ मेरे फेवरेट प्लगइन्स है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो एक है कॉर्नर राउंड, जिसको इंस्टॉल करने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। कॉर्नर राउंड में लिया, कॉर्नर राउंड प्लगइन्स फॉर स्केचअप। ओके, अभी जो इमेजेस आई थी बैक करके दिखाता हूँ। तो इस टाइप के कुछ एजेस क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं डाउन कॉर्नर प्लगइन्स फॉर स्केचअप। स्केच एजुकेशन वेबसाइट जो है उसके लिए सबसे फेमस है, कोई भी टाइप के प्लगइन्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो हमने क्लिक किया यहाँ पे, मेरे पास मेरा यहाँ पे आईडी था तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। आपको शायद यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। कॉर्नर राउंड मिल गया। अगर ज्यादा कुछ सर्च करना चाहो बाहर से तो प्लगइन स्टोर पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च बार में आप अपने हिसाब से कोई भी नाम, परफेक्ट, इसमें पहले मिस्टेक नहीं चलेगा, इसलिए आप पहले गूगल कर लेना, उसका यूज देख लेना। अगर आपके काम की चीज हो तो ही उसको यहाँ से आप सर्च करिए, डाउनलोड करिए एंड इंस्टॉल करिए। लेकिन अभी हमारे पास जो हमने अभी यहाँ पे चूज किया है वो है कॉर्नर राउंड, राउंड कॉर्नर। तो हमने यहाँ से अभी डाउनलोड किया। ओके, वो डाउनलोड हो गया। जैसे कि वो दिख रहा है यहाँ पे डॉट आर बी जेड फाइल में है, डॉट आर बी जेड फाइल ही होगी तो ही यहाँ पे सपोर्ट करेगा। सबसे पहले ये हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद हम स्केचअप में जाके यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं। विंडो एक्सटेंशन मैनेजर, पुराने वर्जन में ये इस तरह से नहीं था, एक्सटेंशन अलग तरीके से इंस्टॉल होता था, जो कि अब हमें जरूरत नहीं, हमें थोड़ा अपडेट तो होना ही पड़ेगा। एक्सटेंशन मैनेजर में गए यहाँ पे, तो अभी इंस्टॉल्ड प्लगइन जितने हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं पहले से, जो कि यहाँ पे लाए गए हैं। कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होगी, अपडेट मांग रही होगी, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, तो जो मैनेज में वहाँ पे दिख रहा होगा आपको पता चल रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल एक्सटेंशन। अभी यहाँ पे हम देखते हैं डाउनलोड में, मैंने यहाँ पे कोई भी क्लिक किया कॉर्नर राउंड, और जैसे मैंने ओपन किया वो चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल तो हो गई, लेकिन उससे पहले कुछ एरर आई। तो ये कुछ प्लगइन्स की सपोर्ट फाइल्स चाहिए होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और प्लगइन डाल के रखा है टू स्क्वायर करके, तो उसके लिए टीटीलिब स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये उसका सपोर्टिव प्लगइन है। तो पहले हमने इसको इंस्टॉल जैसे ही किया तो यहाँ पे हमने दिखाया, उसने हमें दिखाया कि आपको पहले ये फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं, चलो इसको भी डाउनलोड करना है। उस लिंक को हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा लॉगिन ऑलरेडी है उधर यहाँ पे हम लेके आते हैं उस लिंक को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है। तो अब हमारे पास उसकी जो रिक्वायर्ड फाइल है वो यहाँ पे दिख रही है, डाउनलोड कर लेते हैं उसको भी। उसको डाउनलोड हो जाने के बाद वापस हम स्केचअप में जाते हैं, इंस्टॉल एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे। जिसको भी पता हो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिला, तो हम गए थे विंडो में, फिर से करके दिखा देता हूँ एक बार। विंडो में एक्सटेंशन मैनेजर एंड इंस्टॉल एक्सटेंशंस, लिबफ्रेडो ओपन किया। इंस्टॉल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो उसको खामखा इधर उधर मत करिए, जो है एक बार रहने दीजिए। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, शायद हो सकता है क्रैश हो जाए। और हाँ, जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप यहाँ पर इंस्टॉल करते जाओगे उतना स्टार्टअप में वो टाइम लेता है, इसलिए जितना यूज करना हो उतना ही प्लगइन यहाँ पे लाइए। कुछ चीजें यूज करने के बाद अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं हो तो उसको आप यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीजों को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो अनइंस्टॉल करने के लिए, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे हम डिसेबल भी कर सकते हैं। उसको बार बार यूज नहीं करना हो, कभी कभार यूज करना हो तो उसको यहाँ से डिसेबल रखो, ताकि स्टार्टअप में स्केचअप लोड कम ले। ओके, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन हमें फिर भी वो टूल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ इश्यू आए तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे टूल बार यहाँ पे दिख रहा है वहीं पे कोई खाली जगह पर राइट क्लिक करके एक बार देख लो, कॉर्नर राउंड या राउंड कॉर्नर करके यहाँ पे कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसमें क्या करेंगे, एक बार पूरे स्केचअप को रिस्टार्ट करना है। स्केचअप को रिस्टार्ट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लोज किया,